नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में विटामिन ई से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचे। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में विटामिन ई के फ़ायदे। दोस्तों, इसका उपयोग हम सही से करें तो हमारे त्वचा और हमारे बालों को बहुत ही फ़ायदा होता है। और दोस्तों, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है विटामिन ई, जो कि आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा 20 से 25 रुपए का। और दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा इवियन 400 के नाम से। दोस्तों, विटामिन ई में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, जो कि हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसका जो पहला फ़ायदा है, स्किन, हमारी त्वचा, विटामिन ई में पाए जाने वाले प्रॉपर्टी हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जैसे पिंपल, एक्ने, डार्क सर्कल आदि समस्या को जड़ से ख़त्म करता है और हमारे स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी त्वचा निखर जाती है और अच्छा ग्लो आता है और स्किन में होने वाली समस्या भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अपने फेस पे इसका उपयोग कैसे करें ये जानते हैं। दोस्तों, पहले अपने फेस को अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल से ऑयल निकाल के अपने फेस पे डायरेक्ट लगा लें, और यह आपको रात को सोने से पहले लगाना है, ताकि आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा महसूस होगा। और सुबह उठकर फेस को ताज़े पानी से धो लें और कुछ समय बाद आपको इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। और दोस्तों, दूसरा जो फ़ायदा है इसका, वो है आइज, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे आँखों के नीचे बन रहे काले घेरे या निशान के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा माना जाता है। आपको विटामिन ई के कैप्सूल से जेल निकालकर एक बूंद लेकर अपनी आँखों के घेरे के नीचे लगाना होगा, जिससे आपके आँखों के नीचे बन रहे काले घेरे ठीक हो जाएंगे। और यह आपको रात को सोने से पहले लगाकर पूरी रात छोड़ देना होगा, और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, तीसरा फ़ायदा है हेयर, हमारे बालों के लिए। बालों के लिए विटामिन ई बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि बालों का टूटना, बालों का सफ़ेदपन होना जल्दी, यह सब ख़त्म हो जाता है। इसका रोज़ाना सेवन करने से आपके बालों में हो रही समस्या ख़त्म हो जाती है। आपको इसका सेवन अपने हेयर ऑयल में मिला के करना होगा। आप विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को अपने डेली यूज़ करने वाले तेल में लगा के यूज़ कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा आपको बहुत ही जल्द दिख जाएगा। दूसरों, चौथा फ़ायदा है नेल्स, हमारे नाखून के लिए। नाखूनों में हो रही प्रॉब्लम, जैसे कि नाखूनों के आसपास खाल बार बार उधर जाना और नाखून जल्दी टूट जाना, तो दोस्तों इसमें भी विटामिन ई बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके जेल को निकाल के आप अपने नाखूनों के आसपास अच्छे से मसाज करें, ताकि यह अच्छे से मिल जाए और आपके इस नाखूनों के आसपास खाल उधर रहे हो तो यह जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, पांचवा फ़ायदा है लिप्स, होठों के लिए। अगर आपके होठों फट रहे हैं या फिर रूखे या सूखे पड़ रहे हैं, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल से जेल का उपयोग करें, जिससे आपके होठ मुलायम और पिंक हो जाएंगे। अगर आप इसका उपयोग रात के सोने से पहले करते हैं तो आपको इसका अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी होठ गुलाबी पिंक हो जाएगी और आदि समस्या ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, लास्ट है एंकल्स, एड़ियों। एड़ियों के फ़ायदे, जैसे सर्दियों में अक्सर हमारी एड़ियों फट जाती है, इससे
ठीक करने के लिए आपको विटामिन ई का जेल लेकर इसे एक चम्मच नारियल तेल में मिलाकर अपने फटे हुए एरियों पर मसाज करना होगा। ऐसा करने से आपकी फटी हुई एरिया जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये थे विटामिन ई से होने वाले फ़ायदे। तो दोस्तों, जानते हैं विटामिन ई से होने वाले नुकसान। दोस्तों, हमारे शरीर को विटामिन ई की 15 mg मात्रा ज़रूरत होती है, जो कि हमें प्रतिदिन खाना खाने हमारे डाइट से ही मिल जाती है। पर मार्केट में मिलने वाली विटामिन ई में 200, 400, 600 mg होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानमंद होता है। ये हायर डोज हो जाता है। इसका डायरेक्ट सेवन करने से आपको बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, सिर में दर्द, डायरिया आदि समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका सेवन डायरेक्ट करते हैं तो किसी डॉक्टर से पूछ लें, फिर इसके बाद इसका उपयोग करें। दोस्तों, आप इसका उपयोग बाहरी त्वचा और बालों के लिए कर सकते हैं, ना कि आप इसका उपयोग खा कर करें। इसे खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, ये थे विटामिन ई से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी दी हुई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।